आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भारत सरकार की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, बच्चों के लिए शुरू की गाइडलाइन। इंदौर के चंदन नगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 36 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा, लॉकडाउन में खेल रहे थे जुआ। दवाओं की कालाबाजारी पर पुलिस एक्शन मोड में, 1,80,000 की दवाइयों को किया जब्त। देश में कोरोना की दूसरी लहर, संक्रमण तेजी से फैला, इसकी चपेट में आए कई लोगों ने अपनी जान तक गवा दी। इस विकराल रूप के बाद सरकार एक्टिव हो गई और तीसरी लहर से लड़ने के पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट्स की अगर माने तो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों पर संक्रमण का खतरा होगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने अभी से ही बच्चों का इलाज किस ढंग से हो उसके लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में यह बताया गया है कि बच्चों को संक्रमण के दौरान कौन सी दवाइयां दी जा सकती है, किस तरह का उपचार किया जा सकता है, आइसोलेशन में कैसे रखा जाए। साथ ही सरकार ने उन दवाइयों की और आइसोलेशन की व्यवस्था करना भी शुरू कर दिया है। इंदौर की चंदन नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जुआ खेलने वाले को रंगे हाथों धर दबोचा। मामला चंदन नगर के हरिओम नाले के पास का है, जहां ये जुआरी जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर जुआरियों को गिरफ्तार किया। यहां से 36 जुआरी पकड़े गए। बता दें इनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए भी जब्त किए हैं। हरिओम नगर में नाले किनारे क्राइम ब्रांच और थाना चंद्रनगर की संयुक्त दबिश दी गई, जहाँ पे 36 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। मुख्य आरोपी इसमें अजय मकवाना को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसमें 96,000 रुपये जब्ती किए गए हैं। जुआ एक्ट के तहत उक्त कार्रवाई की जा रही है। कब से ये संचालित हो रहा था? ये जुआ बहुत लंबे समय से संचालित नहीं हो रहा था। अभी हाल फिलहाल एक दो दिनों में ही ये बैठे होंगे। इनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आते हैं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे तथ्य अभी तक नहीं आए हैं कोई बहुत लंबे समय से यहाँ कोई ये जुआ खेलने बैठ रहे थे। आज ये किस तरह से इकट्ठे हुए और कैसे वहाँ पहुँचे इसके बारे में जांच की। ब्लॉक बडवारा में जन अभियान परिषद के सदस्य नंदिनी वाटिया ने सभी वॉलंटियर्स को किट बांटे और उनके निर्देशन में ब्लॉक बडवारा में जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। इससे सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने के लिए उत्साहित किया गया। साथ ही घर में बने रहने की अपील भी की गई, जिसमें NSS वॉलंटियर प्रहलाद कुशवाहा की उपस्थिति रही। कटनी पुलिस ने लॉकडाउन में कालाबाजारी करने और बिना लाइसेंस के अवैध रूप से रखी गई दवाइयों को जब्त किया। कोतवाली पुलिस ने दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की और दवाएं जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। जब्त हुई दवाइयों की कीमत लगभग 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी वीके विश्वकर्मा ने इस मामले में बताया कि कटनी के SP मयंक अवस्थी ने जिले में अवैध रूप से बिक रही दवाइयों पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए थे। इस संबंध में एक टीम गठित की गई और फॉरेस्ट प्लेग्राउंड के पास पड़ताल जारी थी। इसी दौरान जितेंद्र कुमार गुप्ता से भी पूछताछ की गई। उसके जवाब पर असंतुष्ट होकर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहाँ अलग अलग कार्टूनों में दवाइयाँ अत्यधिक मात्रा में पाई गई और कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिल सके। आरोपी के कब्जे से करीब 1,80,000 रुपए की कीमत की दवाइयां जब्त की गई। दवाइयों को जब्त करने के बाद आरोपी के खिलाफ बिना लाइसेंस के ज्यादा मात्रा में दवाई रखने का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल दिनांक को कोतवाली पुलिस द्वारा दवाइयों के संबंध में कार्रवाई की गई थी। जो मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एक कार्टून में कोई सामान ले जा रहा है, जिसे फॉरेस्टर प्लेग्राउंड के पास रोक कर पूछताछ की गई, जिसमें दवाई मिली थी। लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई, नहीं मिला। फिर उसने बताया कि घर में दवाई रखी हुई है। घर की तलाशी ली तो कुछ दवाई मिली जो कीमती लगभग 1,80,000 रुपये की थी। उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलर एक्ट धारा 5/13 के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है।
एक तरफ तो पूरे देश में इंदौर नगर निगम की वाहवाही होती है स्वच्छता के लिए, वहीं दूसरी तरफ शहर के व्यापारी और फल सब्जी विक्रेता इनके आतंक से परेशान है। जी हाँ, दरअसल नगर निगम इन दिनों ठेले वालों के ठेले से फल और सब्जी उनके तोल कांटे उठा कर ले जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमिनुल खान सूरी, शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष इरफान शेख और युवा कांग्रेस शहर महासचिव मिथुन यादव ने निगम के कर्मचारियों से इस व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सभी फुटकर व्यापारी और फल सब्जी विक्रेता अगर आतंकी पीली गाड़ी के नगर निगम के कर्मचारी ठेले से तोल कांटा या फल सब्जी बिना जब्ती या पंचनामा बनाकर उठाकर ले जाते हैं तो तत्काल उनकी रिपोर्ट पुलिस थाने पर कराएं, जो भी संबंधित पुलिस थाना है वहां कराएं, लूट का प्रकरण पंजीबद्ध कराएं। इससे संबंधित अगर थाने पर किसी भी तरह की परेशानी होती है या पुलिस रिपोर्ट लिखने में मना करती है तो उन्होंने अपने नंबर जारी कर कहा है कि आप हमें संपर्क किसी भी वक्त कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान ये देखने में आया है कि जो लोग ठेले पे सब्जी फल और खेती सामान लेके निकलते हैं उन लोगों को नगर निगम की पीली गाड़ी से आने वाले कर्मचारी लूटने का प्रयास करते हैं, उनका टोल कांटा जब्त कर लेते हैं, उनका सामान जब्त कर लेते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो जब्त किए हुए ठेले कहाँ पर हैं जो विगत एक महीने से जब्त किए गए, वो सामान कहाँ रखा है, वो टोल कांटे जो जब्त किए वो कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारियों ने वो सब लेके बेचने का काम किया और अपने घर पे इस्तेमाल करने का काम। इंदौर में 1 जून से जनता को रियायत मिल जाएगी, इस बारे में इंदौर कलेक्टर ने संकेत दिया है, लेकिन इस रियायत के साथ ही वायरस लॉक रहे इसकी तैयारी में भी प्रशासन और शासन जुटा हुआ है। इसी के चलते शहर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के जरिए माइक्रो लेवल पर कोरोना को नियंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 1 में बाणगंगा साइट कलेक्टर मनीष सिंह पहुंचे, यहां उन्होंने वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई और उन्हीं सदस्यों से संवाद भी किया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कंटेनमेंट जोन का भी दौरा किया और क्षेत्रीय रहवासियों से चर्चा की। क्षेत्र के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और विधायक संजय शुक्ला भी यहाँ मौजूद रहे। सर, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की जा रही है माइक्रो कंटेनमेंट जोन की, किस तरीके से सर पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी? जो अभी ये 7-8 दिन की कुछ गतिविधियाँ बंद की गई थी और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शासन का उद्देश्य ये है कि एक दिन से माइक्रो जगह अनलॉक करना शुरू करना है, इसीलिए इस पीरियड को हम लोग थोड़ा सख्ती की है और शहर को बांधा गया है और इस बीच में जितने वार्ड्स हैं उसमें जो जहाँ जहाँ भी एक दो तीन केसेस है भी अगर हम लोग कंटेनमेंट क्षेत्र में बदल रहे हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र से तात्पर्य ये होता है कि उसमें आना जाना कंडीशन हो जाता है अगर सैनिटाइज के साथ में प्रशासनिक अधिकारी आप लोग बैठे, क्या कुछ निकल कर आए हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल करी आदरणीय कलेक्टर साहब ने इंदौर के लिए कि लोगों को जाके खुद समझाएं और जितनी कमेटी के लोग वो जाके मोहल्ले में समझाएं, क्योंकि आज की तारीख में मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे अपन झुंड बनाएंगे तो जिससे जो वहाँ बाजू टू है उसको अपन निकाल के राधा स्वामी या और जितने भी बहुत सारे हमारे सामूहिक भवन जहाँ व्यवस्था करिए वहाँ करेंगे। तो क्योंकि अपन चाहते हैं कि लगातार आप 60 दिनों में आ गए, लगातार लोग भी परेशान हो गए, बेरोजगार हो गए, तो अपन चाहते हैं लगातार जल्दी से इससे अपन बाहर आएँ तो कोरोना से और अपनी दुकानें और अपना रोजगार चालू करें। तो जो चालू करा है सदर पहल तो लोगों को एक माहौल लग रहा है, शहर में लोग लग रहे हैं उस यहाँ पर ये देखा है, ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, सब लोग मिल काम करने तैयार हैं क्योंकि आज की तारीख में सबको जरूरत है कि भाई कैसे भी करके। शनिवार रात बदनावर के शासकीय कन्या महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय में बदनावर के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने धावा बोल दिया। वहां से करीब 10 से अधिक पंखे चोरी करके चोर ले गए, कई दरवाजों के ताले भी तोड़ के गए। चोरों ने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया, सरकारी स्कूल पर धावा बोल दिया। गौरतलब है कि सभी सरकारी स्कूल इन दिनों बंद चल रहे हैं तो चोरों ने चोरी की वारदात को आराम से अंजाम दिया। चोरों ने एक अलमारी भी नहीं छोड़ी, सभी के दरवाजे तोड़ दिए गए, आवश्यक दस्तावेज जो थे वो यहाँ वहां फेंक दिए, कुछ दस्तावेज जमीन पर पाए गए। सबसे खास बात तो यह है कि चोरों ने चोरी तो की ही लेकिन साथ ही साथ भूख लगने के बाद वहां पर सेव परमल का नाश्ता भी किया। इस जगह से अंडे के छिलके भी जमीन पर पाए गए। तिलगारा, करणपुरा और इमली पेड़ा गांव के लगभग 7 से 8 किसानों के कुओं से मोटर की केबल काटकर भी चोर ले उड़े। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।